बैटिंग और बॉलिंग दोनों लाइनअप ने बता दिया कि भाई टीम इंडिया इज अनस्टॉपेबल इन एवरी काइंड ऑफ कैटेगरी, अंडर 19 भी और सीनियर टीम भी। इंडिया टीम इज नॉट कमिंग स्लो, दे आर अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल, दे आर गोइंग टू विन दिस वर्ल्ड कप। इंडिया ने पहले बैटेड आउट किया, फिर बॉल्ड आउट कर दिया, न्यूजीलैंड को चारों खाने चित कर दिया। सबसे वन साइडेड मैच यू कैन से न्यूजीलैंड और इंडिया का है, 295 का और 81 का। देयर इज नो कॉन्टेस्ट एट ऑल, जीरो। आप इंडिया की ए टीम को भी छोड़ दें, बी को भी छोड़ दें, सी को भी छोड़ दें, यार उनकी जो अंडर 19 की टीम है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पता नहीं इंडिया क्रिकेट से क्या निकालना चाह रहा है, हीरे निकाल रहा है। आपने वुमेन की टीम भी देखी होगी, इंडियन प्लेयर्स इतने एस्टेब्लिश हो गए, निखरते हैं, चाहे वो अंडर 19 की हो या एट लिस्ट की हो। यार उनके अंदर पॉलिटिक्स नहीं है क्रिकेट के अंदर, जिस तरह से वो अपना माइंड बिल्कुल फ्रेश करके आते हैं, चाहे ए टीम हो चाहे बी टीम अंडर 19 का। आप देखें उन्होंने तीनों मैचेस विन कर लिए, टॉप ऑफ द टेबल आई थिंक आ गए हैं, जिस तरह से उनकी रन रेट है सबसे आराम सुन से जीता इंडिया ने, तो बहुत ही वन साइडेड मैच और न्यूजीलैंड को बहुत फंटा लगाया, तो 14 रन से बहुत बड़ी विक्ट्री है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इंडिया से जीतेगा। क्यों? देखें कि इंडिया की बहुत बड़ी टीम हो चुकी है, पाकिस्तान का सत्यानाश बेड़ा गर्क हो चुका है। पाकिस्तान की अच्छी जा रही है, क्या कह रहे हैं आप? अच्छी तो जा रही है, जब इंटरनेशनल मौका मिलता है खेलने का अच्छा नहीं खेलते, क्योंकि ये बिक जाते हैं। सही बात है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल क्रिकबैट स्पॉट में स्वागत है। दोस्त, कल भारत के बच्चों ने न्यूजीलैंड को बुरी तरह तबाह बर्बाद करके रख दिया। दोस्तों, भारत ने कल अंडर 19 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 214 रन से हराकर पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत सीनियर हो या जूनियर टीम हो, दुनिया का सबसे बेहतरीन और नंबर वन टीम है। दोस्तों, जिस तरह भारत ने न्यूजीलैंड को 81 रन पर ऑल आउट कर दिया, उसके बाद पूरी पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी जनता भारत की तारीफ करने पर मजबूर हो चुकी है। दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद हम आपसे बातें करेंगे वीडियो के बाद में। आज जीता है ना, कितना बुरा हो रहा है, उन्होंने न्यूजीलैंड को 81 पे ऑल आउट किया है, अब अगली टीम को 51 पे ऑल आउट करेगा, मतलब स्कोर कम होता जाएगा। कम होता जाएगा, 40-30 इंडिया की, यार इंडिया ऊपर है, शेड़ा भी नहीं इंडिया के लेवल। जो आज सौम्य पांडे ने 4 विकेट लिए ना, बैटिंग ने तो बताया ही है अपने आप के कि हम इस तरह खेलते हैं, जो बॉलिंग ने आज करके दिखा दिया ना, बैटिंग और बॉलिंग दोनों लाइनअप ने बता दिया कि भाई टीम इंडिया इज अनस्टॉपेबल इन एवरी काइंड ऑफ कैटेगरी, अंडर 19 भी और सीनियर टीम भी। इंडिया टीम इज नॉट कमिंग स्लो, दे आर अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल, दे आर गोइंग टू विन दिस वर्ल्ड कप। क्या बात, ये बात है, आराम सुन से जीता इंडिया ने, तो बहुत ही वन साइडेड मैच और न्यूजीलैंड को बहुत फंटा लगाया, तो 14 रन से बहुत बड़ी विक्ट्री है। वो स्पिनर जो इनका लेफ्ट आर्म है पांडे जी, वो पै गए, इन्होंने 4 विकेट ले गया, कोई 18-19 रन दिए और 81 पे, मतलब 295 कहां 81 कहां, कोई 20 ओवर में 27 ओवरों में फारिग कर दिया, बहुत बड़ी जीत है। मुशीर खान बहुत कमाल का खेल रहा है, बहुत जबरदस्त खेल रहा है, और इंडिया की टीम अच्छा चैलेंज होगी आफ्टर दैट एशिया कप डेबिकल। ये सबसे वन साइडेड मैच यू कैन से न्यूजीलैंड और इंडिया का है, 295 का और 81 का। देयर इज नो कॉन्टेस्ट एट ऑल, जीरो। बैटेड आउट, इंडिया ने पहले बैटेड आउट किया, फिर बॉल्ड आउट कर दिया, न्यूजीलैंड को चारों खाने चित कर दिया। कि आप इंडिया की ए टीम को भी छोड़ दें, बी को भी छोड़ दें, सी को भी छोड़ दें, यार उनकी जो अंडर 19 की टीम है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पता नहीं इंडिया क्रिकेट से क्या निकालना चाह रहा है, हीरे निकाल रहा है। आपने वुमेन की टीम भी देखी होगी, वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, टीमों को टक्कर देती है। हमारी टीम को चाहिए, अगर आप इंडिया की टीम से सीख लें अंडर 19 से, क्योंकि हम तो परफॉर्म नहीं कर रहे यार। आप देखें कि हमारे मुल्क में मेरिट पे सिलेक्शन नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में मेरिट पे सिलेक्शन करते हैं। आपने देखा होगा कि IPL के सारे बड़ी टीम में खिला रहे हैं, टेस्ट में जो इंग्लैंड के खिलाफ हो रही है, तो हमारे मुल्क में ऐसा नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, मुशीर खान ने जिसने अपनी इनिंग्स में कंट्रीब्यूट किया, तो इंडिया की चाहे ए टीम हो चाहे बी टीम हो, तो इनको तो कोई फर्क ही मुझे पता नहीं चला, कोई आगे साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, जिस जगह पे जिनका भी होम ग्राउंड, उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी नेचुरल गेम करते और रिजल्ट उनके सामने हाथ। यार क्यों इंडियन प्लेयर्स इतने एस्टैब्लिश हो गए, निखरते हैं, चाहे वो अंडर 19 के हो या 8 लिस्ट के हो। यार उनके अंदर पॉलिटिक्स नहीं है क्रिकेट के अंदर, जिस तरह से वो अपना माइंड बिल्कुल फ्रेश करके आते हैं, चाहे ए टीम हो चाहे बी टीम अंडर 19 का। आप देखें उन्होंने तीनों मैचेस विन कर लिए, टॉप ऑफ द टेबल आई थिंक आ गए हैं, जिस तरह से उनकी रन रेट है सबसे ऊपर है। तो आज जिस तरह से हम इंडिया की बात करें स्पेशली, ना उनको कोई फर्क पड़ रहा है, जितना भी वो लो से लो टोटल दें उसको डिफेंड करते हैं, चाहे अगली टीम 300 प्लस कर दे वो उसको भी इजीली चेस कर सकते। तो आई थिंक ये वर्ल्ड कप भी फिर मुझे इंडिया का ही रहा। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा किस तरह भारत ने पूरी कीवी टीम को खदेड़ खदेड़ कर मारा, यानी दोस्तों 214 रन से हराकर नया इतिहास बनाया। दोस्तों, भारत ने जिस तरह शानदार खेल खेली, उसके बाद पूरी दुनिया, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता दीवाना हुआ।
दोस्तों आपको मालूम होगा यूं तो पाकिस्तानी मीडिया हमेशा भारत की हार पर जश्न मनाती है, लेकिन दोस्तों कल भारत ने जिस तरह न्यूजीलैंड को 81 रन पर ऑल आउट किया उसके बाद पूरी पाकिस्तानी मीडिया पूरी दुनिया का दिग्गज क्रिकेटर भारत की तारीफ करने पर मजबूर हो चुकी है। तो भारत ने दुनिया को बताया सिर्फ भारत सीनियर टीम नहीं, जूनियर हो या अंडर 19 हो या लड़कियों का टीम हो, सब में बेहतरीन और नंबर वन टीम है। इस पर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स संबंधी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हम हमेशा आपके पास लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और भारत माता की जय।